सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सी ऑल डूइंग वेल। सो गाइस, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ पार्टी वेयर मेकअप लुक। एंड ये मेकअप बहुत ही ज़्यादा इजी पीजी सा मेकअप लुक है, कोई भी बिगनर इसे ट्राई कर सकता है और ईजिली कैरी कर सकता है। बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट्स में ये मेकअप लुक मैंने ट्राई किया है और कुछ प्रोडक्ट्स बस अनअफोर्डेबल हो सकते हैं, बाकी के सारे प्रोडक्ट अफोर्डेबल हैं। सबको ध्यान में रख के वीडियो मैंने बनाया हुआ है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को हाइड्रेट करने के लिए न्यूट्रीजेना का सीरम, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीरम है। इसका जब मैं फुल रिव्यू करूँगी तो आप सभी को पता चल जाएगा कि इसके प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं। देन मैंने यूज़ किया है न्यूट्रीजेना का ही वाटर जेल, जो कि हाइड्रो बूस्ट करता है, आपकी स्किन को प्लम्पी कर देता है और बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड कर देता है। इसके चार प्रोडक्ट्स होते हैं बट यहाँ पर मेरे पास तीन ही हैं। देन उसके बाद मैं यूज़ करूँगी न्यूट्रीजेना का ही मॉइस्चराइज़र, और वो भी बहुत ही सही मॉइस्चराइज़र है। बहुत टाइम तक, आई थिंक 24 या फिर 48 आवर्स तक आपका हाइड्रेट करके रखता है आपका फेस, और बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर देता है और बहुत ही अच्छे से आपको बूस्ट, आपको हाइड्रो बूस्ट दे देगा ताकि काफ़ी टाइम तक आपका फेस हाइड्रेट रहे। बारी आती है आईज़ मेकअप की, तो सबसे पहले मैं लूँगी कंसीलर और कंसीलर को अपनी आईज़ लिड्स पे अच्छे से अप्लाई करूँगी, देन ब्लेंड कर लूँगी। और कंसीलर है एसकी का, और ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है एसकी, बहुत ही मक्खन जैसा इसका कंसीलर ब्लेंड हो जाता है एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। मैंने ब्लेंड कर लिया। देन वेट एंड वाइल्ड का एक पैलेट लिया है, जिससे बनाना पाउडर लेकर के एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से अपनी आईज़ का जो कंसीलर है ना उसे डैप डैप करके सेट कर लूँगी ताकि कोई भी पैची क्रीजी लुक ना आए। देन मैंने लिया है यहाँ पे हुडा ब्यूटी का ड्यूप पैलेट, और उससे एक लाइट शेड लेकर के मैं अपनी पहले क्रीज लाइन को अच्छे से डिफाइन कर लूँगी। पहले आप जब भी आई मेकअप करें तो एक लाइटर शेड से ही अपना आई शेडो को स्टार्ट करें। देन मैंने यहाँ पे डार्क शेड लिया है, और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आउटर कॉर्नर पर डैप डैप करूँगी और साथ ही साथ ब्लेंड करूँगी बहुत हल्के हाथों से, और जब तक मुझे मेरा डिज़ायर कलर नहीं मिल जाएगा ना तब तक मैं ऐसा करती रहूँगी। देन मैं एक कलर और लूँगी और उसे अपनी क्रीज लाइन पे डेप्थ, जहाँ डेप्थ होती है ना हमारी, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसे ताकि एक अच्छा सा डेप्थ मिल जाए हमको और बहुत ही प्यारी सी आईज आए। सो जैसे मैं कर रही हूँ ना वैसे ही आपको करना है, और बहुत हल्के आंसू से आपको आई शेडो अप्लाई करना है। ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा और कहीं कम लग जाए, जब तक आपको लगे नहीं ना कि दोनों आई सेम है तब तक आपको अप्लाई करना है। देन उसके बाद मैंने नीचे डार्क कलर अप्लाई किया है, और सेम वही डार्क कलर ही ना मैम अपनी आउट यहाँ पे भी सॉरी। देन उसके बाद मैंने यूज़ किया है एक सिमर सेड वही हुडा ब्यूटी पैलेट से, और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से आई कॉर्नर से लेके आई मिडिल पार्ट तक अप्लाई करूँगी। और ये आई शेडो इतना सिंपल है ना कि कोई भी इसे कर सकता है, बहुत ही ईजी सा है। देन मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे आई लाइनर, जो कि होगा सुगर का, और ये आईलाइनर पेन आईलाइनर है, जेट ब्लैक आईलाइनर है, और काफ़ी वीडियोस में मैंने इस आईलाइनर को यूज़ किया है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और छूटता नहीं है जल्दी। वाटर बेस मतलब कि वाटर प्रूफ है तो काफ़ी टाइम तक टिका रहता है आपके आईज पे, और एकदम जैसा भी आप आईलाइनर लगाना चाहते हैं अपनी आईज पे वैसा ही आईलाइनर लग जाता है। देन यहाँ मैंने दूसरे आईज पे भी कर लिया है, और बहुत ही अच्छा आईलाइनर मैंने यहाँ पे एक विंग आईलाइनर क्रिएट किया है। देन मैंने पर्पल का एक काजल लिया है जो कि है कॉपर शेड में, और अपनी वाटर लाइन पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी दोनों आईज पे। देन मैंने यूज़ करूँगी यहाँ मस्कारा, और अपने आई मेकअप को करूँगी यहाँ पे डन। और ये मस्कारा है लैक्मे आइकॉनिक का, और इसका जो वॉन्ड होता है ना थोड़ा सा तिरछा टाइप होता है ना, तो वो बहुत ही अच्छे से मस्कारा अप्लाई हो जाता है। ब्रोस के लिए मैंने लिया है फेसेस कनाडा की ब्रोस पेंसिल, ब्राउ ब्रांस पेंसिल, और ये एक ब्राउन शेड ब्रोस पेंसिल है, तो आपके फेस के अकॉर्डिंग ना बहुत ही अच्छा कलर्स का मैच हो जाता है और सब बहुत सही लुक आ जाता है। देन मैं प्राइमर यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का, और अपने हाई पॉइंट्स पे अप्लाई करूँगी लाइक माय फॉरहेड, नोज ऑफ द ब्रिज एंड अंडर आइज, माय इधर उधर पे, तो ताकि अच्छे से हम प्रेप हो जाएं और हमारा जो भी बेस होना वो ईजिली ब्लेंड हो जाए। मैं यहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं यूज़ कर रही हूँ, केवल मैंने यूज़ किया है गार्नियर लाइट क्रीम, और इसी से मैंने मेकअप किया है पार्टी वेयर वाला। तो बस दिखाना था कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ना भी होना तो भी आप कर सकते हैं मेकअप अच्छे से। देन उसके बाद मैंने वेट एंड वाइल्ड का पाउडर लिया है, बनाना पाउडर, और अपनी क्रीम को जो सेट कर लिया है
काफ़ी अच्छे तरीके से, ताकि कहीं से क्रीज ही लुक ना जाए और कहीं से पैच ही लुक ना दे। बाकी हमने अपने फेस पे कोई इतना ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ किए हैं जो क्रीज करे, बट फिर भी। देन उसके बाद वेट एंड वाइल्ड का मैंने ब्लश लिया है, और ये कोरल ब्लश है, बहुत ही सही लगता है। मैंने हल्के हल्के हाथों से ना अप्लाई कर लिया है, ताकि ज़्यादा भी ना हो और बहुत ही अच्छा लुक आ जाए। देन मेकअप रेवोल्यूशन का जो हाइलाइटर पैलेट है ना, उससे ही मैंने अपने हाई पॉइंट्स पे अच्छे से अप्लाई कर लिया हाइलाइटर को, और अपनी ब्रो बोन पे भी मैंने एक हाइलाइटर यूज़ कर लिया है, ताकि मेरी आईज हाईलाइट हो जाए। और लिप्स में मैं लगा रही हूँ लैक्मे का एक क्रियॉन, ताकि एक बेस हो जाए। देन उसके बाद मैं यूज़ करूँगी लॉरियल पेरिस की आई एक्सप्लोर सेट की लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक, और ये बहुत ही सही सेट है, मैं फ़ैन हूँ इस सेट की। चलिए, मेकअप यहाँ पे डन हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हिट दी लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, बेल बटन को दबा दीजिए।